मित्रों नमस्कार। सी की क्लास में हम लोग उपस्थित हैं आज के क्वेश्चन को लेकर के। बस एक मिनट बने रहिएगा आप लोग, थोड़ा सा शेयरिंग कर देंगे आप लोगों की क्लास की और लोग आ जाएं। यदि आप लोग जो है ये चाहते हैं कि ये क्लास आपकी जो है कुछ परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि सामने परीक्षा है, अगर आप मैराथन क्लास के रूप में जाना लेना चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको क्लास दी जा सकती है। लेकिन आपको उसके लिए करना क्या होगा कि आपको लाइव होना पड़ेगा, ठीक है। एक सूचना आपको हम दे दे रहे हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि सी की कंप्लीट जो है, यानी संपूर्ण क्लास जो है आपकी, संपूर्ण क्लास, ठीक है, संपूर्ण क्लास में लगभग प्रयास किया जाएगा कि आपका स्ट्रिंग स्ट्रक्चर तक, स्ट्रिंग और स्ट्रक्चर तक की पूरी क्लास जो है मैराथन क्लास के रूप में ली जा सकती है, जिसमें आपको टिप्पणी और कुछ जो है बड़े क्वेश्चंस या फिर जो है कुछ प्रोग्राम्स टाइप के आपके कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा कि आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नहीं है तो नोट कर लीजिए, 9696388909, ठीक है, ये नंबर है। इस पे आपको मैसेज करना होगा। इसमें शर्त क्या है कि आपको लाइव होना पड़ेगा, ठीक है, लाइव होना पड़ेगा। क्लास का समय आपका 8 से 10 होगा, 2 घंटे की क्लास पर डे चलेगी, जिसमें आपका संपूर्ण रिवीजन क्लास होगी सी लैंग्वेज की परीक्षा के पहले। अगर आप लोग रेडी होंगे तो 2-4 दिन के अंदर हम उसको शुरू कर देंगे, ताकि आपको उसके बाद भी 10 से 15 दिन का समय मिल जाए, ताकि आप जो है रिविजन कर सके। ऐसे इसके लिए जो है आपको लाइव होना पड़ेगा, ये शर्त है। अगर 20 लोगों तक तैयार हैं, ठीक है, 20+ लोग तक तैयार हैं लाइव होने के लिए, वाचिंग के लिए आपका 20 लोगों तक, ऐसा नहीं कि अपलोड हो गई और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद तो बहुत से लोग देखते हैं। लाइव होने के लिए अगर आप तैयार हैं 20 लोगों तक, तो ऐसे में जो है हम ये क्लास आपकी मैराथन क्लास के रूप में ले सकते हैं। लेकिन शर्त वही है, कम से कम 20 लोगों को लाइव होना पड़ेगा। इसका हमें सूचना मिल जाए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये सूचना आपकी आ जाए, ठीक है, हम आपका जो है इसका इंतजार करेंगे। अगर इस तरह की आ जाती है तो 2-4 दिन के अंदर जो है हम मैराथन क्लास आपकी शुरू कर सकते हैं, ताकि पूरे सी लैंग्वेज की रिवीजन कराई जा सके, ताकि आपका कहीं से भी ऐसा ना हो कि आपको कहीं से दिक्कत हो कि हमारा क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आप लोगों को ये करना है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। आज के क्वेश्चन के रूप में आपका यहाँ पर दिया गया है आइडेंटिफायर, ठीक है। समझ लीजिए आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर जो होता है ये आपका यूजर डिफाइंड जो आपका वेरिएबल्स होते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा होता है सी लैंग्वेज में, ठीक है। देखिए सी लैंग्वेज में दो ही चीज होती है, या तो आपका जो है प्री डिफाइंड होता है, उसका पहले से ही आपका फंक्शन डिफाइंड होता है जो कि सी में आपका होता है, यानी कि जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स और अन्य चीज होती है, वो पहले से प्री डिफाइंड होती है, नहीं प्री डिफाइंड है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो आप डिफाइन करते हैं, यानी कि आप खुद उसको डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। जैसे आपने वेरिएबल्स बना लिया या फिर स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल्स बना लिए, तो वेरिएबल्स और अन्य चीज जो आप लिखते हैं वो आपका होता है आइडेंटिफायर, जिसके कि रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसके आधार पर आप लिखते हैं। लेकिन ये आपका यूजर डिफाइन होता है, ठीक है, ये आपका यूजर डिफाइंड होता है आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर जो होता है आपका यूजर डिफाइंड होता है। इस हिसाब से अगर इसके विकल्प को हम लोग ढूंढें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका इसका सही उत्तर जो है हाँ ये आपका आ गया स्क्रीन पे। सही उत्तर जो आपका इसका होगा, यानी कि आइडेंटिफायर का, ठीक है, आइडेंटिफायर का सही उत्तर आपका होगा यह नेम दैट आर गिवेन वेरियस प्रोग्राम एलिमिनेट सच एज वेरिएबल्स, जैसा कि वेरिएबल्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यही है, नेम दैट आर गिवेन टू वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल्स, जैसा कि वेरिएबल्स दिया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब नेम नाम दैट आर गिवेन टू वेरियस प्रोग्राम,
विभिन्न प्रोग्राम में एलिमेंट सच एज वेरिएबल, जैसा कि वेरिएबल साफ कर दिया जाता है, वो आपका होता है आइडेंटिफायर, यानी कि ये आपका जुड़ जाता है पहले से। दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट स्ट्रिंग के तरह से होता है, आपको पता है स्ट्रिंग हम कहते किसे हैं, इनक्लोज विद इन डबल क्वोट्स, ये याद रखिएगा स्ट्रिंग के साथ इनक्लोज विद इन डबल क्वोट्स, चाहे वन कैरेक्टर हो, मोर देन वन कैरेक्टर हो, विदाउट कैरेक्टर हो, डबल क्वोट्स में अगर बंद है तो वो आपकी स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पर भी ढूंढेंगे उसी तरह से 3.2 के साथ जो है आपका ये होगा, एनी नंबर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल क्वेश्चन मार्क, लिखा ना डबल क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन यानी कि डबल क्वेश्चन मार्क से आपका ये इनक्लोज्ड किया गया हो, ठीक है, ये आपका हो गया। तीसरा गेट सी एच आर, गेट सी एच आर फंक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए, ठीक है, स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए। जहां तक उम्मीद है इसकी थियरी हमारे पास होगी, हम उसको आपको दिखा दे रहे हैं, गेट सी एच आर, ठीक है, गेट सी एच आर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, देखते हैं अवेलेबल हो तो, ठीक है, गेट सी एच आर ये चेक है, हाँ गेट सी एच आर, यहाँ पर देखिए ये फंक्शन जो है आपका इनपुट लेता है किसी भी स्ट्रिंग को, इनपुट करने के लिए आपका इसका यूज किया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है, परिभाषा हम पूरी पढ़ दे रहे हैं। गेट सी एच आर फंक्शन, गेट सी एच आर इज ए फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट रीड्स ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम एसटीडी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट is its and return it to the program, it is specified as MCC and the most basic input function in C, it is included in the studio.h, ठीक है, यानी characters को input करने के लिए जो है get chr, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं get chr, ठीक है, CHAR क्या है आपका कैरेक्टर है, ठीक है, गेट मतलब होता है प्राप्त करना यानी इनपुट लेने के लिए, CHAR कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए जो है आपका गेट CHAR फंक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, गेट CHAR फंक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए, ठीक है। द सी लाइब्रेरी फंक्शन दैट गेट CHAR वाइड गेट्स ए कैरेक्टर एंड अनसाइंड CHAR, ठीक है, तो सब बातें दूसरी हैं। अगर इसके प्रोग्राम के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं कैसे इसकी प्रोग्रामिंग होती है, यानी प्रोग्राम कैसे होगा, सिंटेक्स कैसे लिखा जाएगा, तो आपका दिया है सीधे सीधे int get chr void दिया है, इसके ऊपर आपका जो होगा हैश इंक्लूड stdio.h दिया है, हालांकि ये आपका जो है यहाँ होना चाहिए, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h int get chr, ये आपका सिंटेक्स है, ठीक है, ये आपका सिंटेक्स है, बाहर लिखा हुआ है ये सिंटेक्स है, ठीक है, प्रोग्राम आपका यहाँ से है has include stdio.h int main chrc printf enter the character, सीधे दे दिया गया c get chr, ठीक है, c get chr ये क्या है, एक वेरिएबल्स है जिसमें रख किसको रहा है get chr, ये इनपुट करा रहा है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से इनपुट करा रहा। अब अगर आप c को प्रिंट करेंगे, c को प्रिंट करने यहीं पर बता दें put chr का कार्य होता है आउटपुट देने से, तो यहाँ पर सीधे पुट सी एच आर सी कर दिया, ठीक है, सी कर दिया, यानी सी में जो आपने कैरेक्टर दिया है वह आपका आउटपुट में मिल जाएगा, तो यहाँ पर पुट सी एच आर हो जाता है, ठीक है, तो दोनों का क्वेश्चन आज आया हुआ है, यानी गेट सी एच आर एवं पुट सी एच आर, तो गेट सी एच आर का काम होता है कैरेक्टर को इनपुट लेना और पुट सी एच आर का कार्य होता है कैरेक्टर्स को आउटपुट देना, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका गेट सी एच आर 3.3 का जो होगा वो आपका जुड़ जाता है गेट सी एच आर, गेट सी एच आर 3.3 का जो है आपका जुड़ जाता है इंटर ए कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, एक कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए जो है आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस द्वारा इंटर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, तो आपका जो है गेट सी एच आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रेंड, रेंड को आप याद रखिएगा, नया चीज आपको मिल रहा है, रेंड मतलब क्या होता है, रेंडम, रेंड मतलब होता है रेंडम, ऐसे समझिए रेंडम एक्सेस मेमोरी आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पर भी डाटा को यानी इंटीजर्स को जो है रेंडमली एक्सेस करने के लिए इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं हम लोग सी में, ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं इसकी थियरी, यानी रेंडम की, रेंड की जो है थियरी आप यहाँ पर पहले देख लीजिए, ठीक है,
तो आपको मिल जाएगा कि क्या आपका चीज है, रेंट क्या है। ठीक है, बस एक मिनट देखते हैं। अच्छा नीचे गया है, ठीक है नीचे देखते हैं होगा यहाँ पर आपका रेंट। एक मिनट देखिए, ये रेंट है, ठीक है रेंट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आपका देख रहे हैं रेंट फंक्शन आपका है। रेंट को आप ऐसे समझिएगा रेंडम एक्सेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है रेंडम, ठीक है। द रेंट फंक्शन इज यूज्ड इन सी और सी प्लस प्लस टू जेनरेट रेंडम नंबर इन द रेंज ऑफ जीरो रेंड मैक्स, ठीक है रेंड मैक्स। देखिए जीरो से लेकर रेंड मैक्स यानी जितनी वैल्यू दी जाएगी वहां तक जो है रेंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपका किया जाता है, ठीक है। इफ रेंडम नंबर्स आर जनरेटेड विथ ए रेंड फंक्शन विदाउट फर्स्ट कॉलिंग जो है यस रेंड, ठीक है योर प्रोग्राम विल क्रिएट द सेम सीक्वेंस ऑफ द नंबर इच टाइम रन, ठीक है प्रत्येक टाइम जब आप रन करते हैं। तो ये आपका आईएनटी रेंड वर्ड दिया है यानी कि आपका जो है यहाँ पर, या फिर आप दे सकते हैं रेंज आप जो है जीरो टू रेंड मैक्स आप दे सकते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोग्राम हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैसे आपका ये जनरेट किया है, ठीक है यहाँ पर दिया है देख सकते हैं आप। हाँ यहाँ पर दिया हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h, ये तो आपकी हेडर फाइल्स हो जाती है, और stlib.h जो है ये इसके लिए हेडर फाइल आपकी यूज की गई है। यहाँ पर मेन फंक्शन वर्ड है दिस प्रोग्राम विल क्रिएट सेम सीक्वेंस ऑफ, ठीक है रैंडम नंबर्स ऑन एवरी प्रोग्राम रन्स, ठीक है फॉर लगाया है, आई को जीरो ले लिया है, पांच तक ये आपका चलेगा, आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है प्रिंटफ परसेंट डी रेंड लगा दिया, ठीक है रेंड लगा दिया, सीधे रेंड लगा दिया, ठीक है यानी यहाँ पर रेंड लगा दिया, प्रिंटफ में रेंड फंक्शन आपका यूज कर दिया गया रिटर्न जीरो, ठीक है प्रिंटफ में ही सीधे जो है आपका रेंड फंक्शन यहाँ पर यूज कर दिया गया है। अगर इसके रिजल्ट को आप देखेंगे तो ये आपका जो है रिजल्ट होगा दिस प्रोग्राम विल क्रिएट सेम सीक्वेंस ऑफ द रेंडम नंबर्स ऑन एवरी प्रोग्राम रन, प्रत्येक बार रन होने पर जो है आपका इस तरह से कुछ रेंडम नंबर दे देगा। देखिए वही चीज यहाँ पर भी वही चीज सेम यहाँ पर भी है, ठीक है तो रेंडम नंबर दे देगा, तो रेंडम नंबर के लिए आपका इसका प्रयोग किया जाता है। इस हिसाब से अगर आपका रेंड फंक्शन की बात की जाए 3 जो है आपका 3.4 की बात की जाए तो ये आपका जुड़ जाता है यहाँ पर आपका है जे रिटर्न ए रेंडम पॉजिटिव नंबर, ठीक है इंटीजर रिटर्न ए रेंडम पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है रेंडम पॉजिटिव इंटीजर्स। नमस्कार नमस्कार भाई ऋषभ जी, ठीक है तो ये आपका इसके साथ जुड़ जाएगा जे के साथ। पुट सीएचआर अभी हमने क्लियर किया है कि कैरेक्टर्स को अगर आउटपुट लेना है, अभी प्रोग्राम भी हमने दिखाया था वहां पर यूज किया गया है, कैरेक्टर्स को अगर आउटपुट लेना है तो हम पुट सीएचआर का प्रयोग करते हैं 3.5 में जो है आपको चलना पड़ेगा। हाँ यस सेंड ए कैरेक्टर टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को एक कैरेक्टर सेंड करने के लिए यानी भेजने के लिए जो है आपका इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है ब्रेक स्टेटमेंट कईयों बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा ब्रेक स्टेटमेंट कई बार अब तक हम लोग हल करते आ रहे हैं, कम से कम 4 से 5 बार तो हम लोग कम से कम हल किए होंगे, ठीक है इसको आप याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ब्रेक स्टेटमेंट लूप में किसी भी कंट्रोल हो रहा, लूप में लूप चल रहा हो, लूप को ब्रेक करने के लिए या रोकने के लिए चाहे जहां भी, अगर ब्रेक पे आ गया तो वहीं से कंट्रोल बाहर निकल जाता है, ठीक है ब्रेक लगाने के लिए इसका प्रयोग होता है। 3.6 का आपका हो जाएगा यहाँ पर यूज द टर्मिनेट लूप्स आर टू एग्जिट फ्रॉम स्विच, स्विच से बाहर जाने के लिए या फिर लूप को टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब होता है कंटिन्यू हो जाना, यानी कि अगर कोई गलत आपको डाटा इनपुट कर रहे हैं तो उसको इग्नोर करके वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है उसके लिए आपका है कंटिन्यू स्टेटमेंट 3.7 का। अगर हम चलें तो ये हो जाएगा यूज्ड बाईपास द रिमाइंडर ऑफ द करंट पास थ्रू लूप, ठीक है ये आपका इसके साथ जुड़ जाएगा। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जिनका प्रयोग केवल उसी फंक्शन में होता है जहां पर वो डिक्लेयर किए गए होते हैं,
जहां यानी कि लोकल वेरिएबल्स की तरह जो है आपका ये ऑटोमेटिक वेरिएबल्स है, यानी ये जिस फंक्शन में डिक्लेयर किए गए हैं ये उसी फंक्शन में आपके यूज किए जाते हैं। तो 3.8 का हम लोग देखेंगे, यहाँ पर होगा डज नॉट रिटर्न इट्स वैल्यू वंस कंट्रोल इट ट्रांसफर आउट ऑफ द डेफिनेशन फंक्शन। डेफिनेशन फंक्शन से जैसे बाहर निकलता है, ठीक है, डज नॉट रिटेन द वैल्यू वंस कंट्रोल इज एंड कंट्रोल, जैसे ही फंक्शन डेफिनेशन से बाहर निकलता है वो जो है रीड नहीं होता है, ठीक है, तो रिटर्न नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका होगा ई के साथ इसका जुड़ाव हो जाता है, और ये आपको पता ही है आई एन टी पी सी एच ए आर ए और एस टी के साथ लगा है, तो ये आपका एरे फंक्शन है कैरेक्टर से संबंधित, एक एरे फंक्शन के रूप में आपका इसका यूज किया गया है। यानी 3.9 का जो होगा आपका ये एक्सेप्ट एन आर्गुमेंट विच इज एन एरे पॉइंटर टू कैरेक्टर, एरे पॉइंटर टू कैरेक्टर, ठीक है। और महत्वपूर्ण आपका ये भी है, कई बार पूछा गया है अब तक जितना भी हल किए हैं उसमें कई बार आपका आ चुका है टाइप डेफ, ठीक है, टाइप डेफ अल्टरनेटिव वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने, यानी पहले से वेरिएबल डिक्लेयर हो, एक दूसरा वेरिएबल हम डिक्लेयर करना चाहते हो उसी पर, तो एक अल्टरनेटिव वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि टाइप डेफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जुड़ जाता है F के, allow user to define new data type that are equivalent to existing data type, यानी जो उपलब्ध data type है उसी के equivalent दूसरे data type को जो है declare करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है 10 question रहे इसके, यानी कि matching से संबंधित रहे। matching के बाद हम लोग आते हैं fill in the blank में, ठीक है। fill in the blank में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है हम लोग पहले question को लेके चलते हैं, इज ए वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, कौन है जो एक वेरिएबल्स है जो दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को होल्ड रखता है, ठीक है। क्या कह रहा है, इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को होल्ड रखने का काम करता है, वो आपका इसमें कौन है ये बताना है, ठीक है। तो भाई इस तरह का काम एक पॉइंटर ही करता है, पॉइंटर जो है दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस अपने में स्टोर रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पॉइंटर हो जाएगा 4.1 का जो है पॉइंटर सी हो जाएगा, पॉइंटर ऐसा काम करता है। तो ग्लोबल वेरिएबल इज आल्सो नोन एज वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स को हम किस दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दूसरे नाम से जानने की जहां तक बात है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, एक्सटर्न होता है, यानी कि पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं अगर ग्लोबली वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर 4.2 का जो होगा ये ग्लोबल वेरिएबल आल्सो नोन एज वेरिएबल, तो एक्सटर्न हो जाएगा, यानी एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल हो जाएगा ये आपका। एक्सेप्ट एन आर्गुमेंट विच इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स एंड रिटर्न ए पॉइंटर टू एन इंटीजर्स, तो भाई ये जो शो कर रहा है एरे ऑफ पॉइंटर को शो कर रहा है, पूरे विकल्प में आपको एक ही जगह है जो कि आपका एरे ऑफ पॉइंटर शो किया गया, यानी कि 4.3 का जो होगा वो आपका ए होगा, दो जगह है ये आपका होगा, ठीक है, ये आपका पॉइंटर। अगर इस पे डाउट होगा तो ये आपकी दूसरी चीज हो जाती है, डबल एस्टिक जो होता है वो आपका पॉइंटर टू पॉइंटर हो जाता है, या फिर ये दूसरी चीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका एरे ऑफ पॉइंटर है, तो आपका इसके साथ जो है आपका ए होता है, एक्सेप्ट एन आर्गुमेंट विच इज एन एरे ऑफ पॉइंटर एंड रिटर्न पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर्स को रिटर्न कर रहा है आई एन टी जो यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग इसी में, ठीक है। 4.4 की बात करते हैं, कह रहा है The argument list of a function is known as, argument list जो होती है, function की arguments list होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं 4.4 का। तो ये आपका यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो ये आपका होगा argument list parameters होती है, ठीक है, parameters होती है arguments list को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सी प्रोवाइड्स द फंक्शन टू कंपेयर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आपको पता है कंपेयर करने के लिए strcmp, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग कंपेयर आपका इसका होगा, यानी 4.5 का जो है ये आपका कंपेयर strcmp ये आपका होगा, ठीक है, यल होगा 4.5 का
STR होगा, STR CMP, जो कि आपका कम स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए फंक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपका दिया हुआ है, कन्वर्ट द कैरेक्टर स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट स्पेस साइन डिजिट टू एन इट्स वैल्यू, ठीक है। साइन डिजिट व्हाइट स्पेस साइन डिजिट एन इन वैल्यू, इन मतलब आईएनटी वैल्यू, इन आईएनटी वैल्यू, आईएनटी वैल्यू में जो है कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन होगा, तो 4.6 के लिए हम लोग इसकी थियरी भी देखेंगे और इसके आंसर को भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 4.6 का आपका यहां पर होगा एटीआई, ठीक है। ये एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है इसको चलिए देख लेते हैं। एटीआई जो है फंक्शन क्या है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, अभी आपकी बात ये क्लियर हो जाएगी। देखिए एटीआई फंक्शन दिया गया है, सी में आपका इस फंक्शन का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, समझने का प्रयास करिएगा। इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द एटीआई फंक्शन कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू एन इंटीजर, यही बात याद रखिएगा। अगर टिप्पणी में भी पूछता है तो आप इसी को लिख दीजिएगा, ठीक है। ये जो है स्ट्रिंग को इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। द आरटीआई फंक्शन स्किप ऑल व्हाइट स्पेस, ये क्या करता है, सभी व्हाइट स्पेस को यह स्किप कर जाता है, ठीक है। सभी व्हाइट स्पेस को आपका स्किप कर जाता है कैरेक्टर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। कन्वर्ट द सबसिक्वेंट कैरेक्टर्स एट पार्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। कहने का मतलब एटीआई फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो व्हाइट स्पेस को इग्नोर कर देता, व्हाइट स्पेस को स्किप करके जो है स्ट्रिंग को जो है आपका इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इस हिसाब से जो है आपका इसका जो आंसर होगा ये एटीआई होगा, ठीक है। एटीआई अब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, कन्वर्ट्स ए कैरेक्टर स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट स्पेस साइन डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर टू एन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर में, चलिए ये हो गया। इन कंपाइलर एरर मैसेज मींस द ऑब्जेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इज मिसिंग, लेफ्ट हैंड साइड का असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो मिसिंग है, इस तरह की एरर आपकी इसमें आती है, इन द कंपाइलर एरर आती है। कौन सी है इसको भी थियरी भी हम लोग देख लेते हैं और 4.7 का रिजल्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 4.7 का रिजल्ट जो है ये आपका 4.7 का होगा जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट F, ठीक है। ये आपका होगा लेवल, ठीक है, लेवल होगा। यहाँ पर क्या है जान लेते हैं, ठीक है। देखिए लेवल फंक्शन जो आपका यहाँ पर जो दिखाया गया है ये क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेवल फंक्शन यानी कि लोकेटर वैल्यू इसको बोलते हैं, ठीक है। लोकेटर वैल्यू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाइज सेम आइडेंटिफाइबल लोकेशन इन मेमोरी दैट इज हैज एन एड्रेस रिवैल्यूज, ठीक है। रिवैल्यूज आर डिफरेंट बाय एक्सक्लूसिव, एवरी एक्सप्रेशन इज आइदर एन लेवल R and reward, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन आप क्लियर कर लीजिएगा, level enter means expression which can be placed on the left hand side, ठीक है, placed on the left hand side of the assignment operator, R means expression which has a memory address revolve, जो है revolve is defined as R इसको, ठीक है। तो ये आपका इसका मतलब आपका मीनिंग वहीं पर निकल के आता है, आप इस चीज को देख सकते हैं कि इसका प्रयोग जो है आपका रिवॉल्व फंक्शन का जो है आपका यूज यहाँ पर वही दिखा रहा है। ये कंपाइलर जो है, इन कंपाइलर रिवॉल्व एरर मैसेज मींस दैट ऑब्जेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज असाइनमेंट ऑपरेटर इज मिसिंग, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर में लेफ्ट हैंड साइड का अगर मिसिंग है तो आपका ये है, ठीक है। चलिए इज ए लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड आउटपुट ऑफ एंड ऑपरेटर इज ट्रू इफ द बोथ ऑपरेंड इज ट्रू। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर में जो है ऐसा ही होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर में अगर बोथ साइड की कंडीशन ट्रू है तो ये आपका ट्रू होगा, अगर एक भी गलत है तो वहां पर फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा होगा,
तो आपका एंड ऑपरेटर होगा, आपका यहाँ पर एम्परसेंड एम्परसेंड दिया होगा, ये आपका ठीक है, ये आपका यहाँ पर होगा, ये ऑपरेटर आपका यहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए, सेट द पोजिशन टू बी ए डिजायर्ड पॉइंट इन द फाइल, फाइल में डिजायर्ड पॉइंट स्थान पर जो है सेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एफसिक का, ठीक है, 4.9 एफसिक फंक्शन होगा, 4.9 का, ठीक है, एफसिक फंक्शन, ठीक है, एफसिक फंक्शन का यूज हम लोग जो है इसके लिए करते हैं, एफसिक फंक्शन, ठीक है, एफसिक फंक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी भी जानकारी ले लेते हैं आपका एक्सिक फंक्शन की, ठीक है। तो ये देखिए एफसिक फंक्शन के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। द सी लाइब्रेरी फंक्शन एफसिक सेट द फाइल पोजीशन ऑफ द स्ट्रीम टू ए गिवन ऑफसेट द पॉइंटर एसोसिएट विद द फाइल्स एंड मूव इट टू दैट ऑफसेट, ठीक है, इसका ये आपका जो है सिंटेक्स है, ठीक है, ये आपका सिंटेक्स है, int एफसिक फाइल एस्टिक स्ट्रीम int offset int vens, ठीक है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ बाइट्स टू ऑफसेट फ्रॉम पोजीशन दिया है, ऑफसेट इसके लिए, और ये जो है स्ट्रीम की बात जो कर रहा, पॉइंटर टू ए फाइल ऑब्जेक्ट है, और ये जो vens दिया हुआ है ये जो है आपका द पोजीशन फ्रॉम वेयर ऑफसेट इज एडेड, ठीक है। तो ये आपका इससे जुड़ा हुआ है, और अगर इसमें हम अगर इस विकल्प की बात करें तो यहाँ पे जो होगा एफसिक हो गया, बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। लास्ट देखते हैं आज के क्वेश्चन में, कंटेन्स नंबर कंटेन्स मेंबर हुज इंडिविजुअल डाटा टाइप में डिफर फ्रॉम ऑन अदर, ठीक है, ऑन अदर, ठीक है, कंटेन्स मेंबर्स, देखिए क्या कह रहा है, कंटेन्स मेंबर जो मेंबर्स को रखता है, हुज इंडिविजुअल डाटा टाइप में डिफर फ्रॉम ऑन अदर, जिसमें एक इंडिविजुअल डाटा टाइप एक दूसरे से डिफर हो, अलग हो, वह किसमें प्रयोग किया जाता है, तो यूनियन में प्रयोग होता है या फिर स्ट्रक्चर में प्रयोग होता है, ठीक है, जिसमें एक से अधिक तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है डाटा टाइप आपके रखे जाते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर जो है यूनियन, मतलब यहाँ पर जैसे एरे में होता है सिंगल टाइप्स के डाटा रखे जाते हैं, यानी कि आईएनटी है तो आईएनटी ही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर और यूनियन में जो है आपके डिफरेंट टाइप के डाटा रखे जाते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डाटा हो सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर है ये क्लास, क्या है, अगर सी की संपूर्ण क्लास कहाँ तक भाई, तो स्ट्रक्चर और यूनियन तक, याद रखिएगा स्ट्रक्चर और यूनियन तक पास होने के लिए बहुत काफी है, और कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी जो कि पूछा जाता है, जैसे एफसिक हो गया, टाइड अप हो गया, या फिर गेट सीएचआर, पुट सीएचआर, या फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गए, यानी कि मैलोक, कैलोक, रेलोक, या फिर ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटो वेरिएबल, ये सब, या फिर जो है आपके कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, या व्हाइल डू व्हाइल, इस तरह की टिप्पणियां जो पूछी जाती हैं, अगर आप इसका रिवीजन कराना चाहते हैं तो इसकी जो है मैराथन क्लास, जिसे आप लोगों की भाषा में मैराथन क्लास समझा जाता है, उस तरह की लंबी क्लास आपकी ली जा सकती है, जिसकी टाइमिंग आपकी 8 बजे से होगी, 8 बजे से लेकर 10-10:30 बजे तक आपकी ये क्लास हो सकती है, लेकिन नमस्कार लेकिन शर्त ये है कि इस क्लास में आपको लाइव होना पड़ेगा, अगर आप लाइव होंगे कम से कम जो है 20 लोगों की बात है, ठीक है, 20 लोग ऐसे अपलोड होने के बाद बहुत से लोग देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको लाइव होना पड़ेगा, ये लाइव कम से कम 20 लोग आप अगर मैसेज कर देते हैं कि नहीं हम लोग लाइव रहेंगे, तो हम ये क्लास मैराथन क्लास आपकी चालू कर सकते हैं विद इन 2-3 डेज, लेकिन इसके पहले आपको हमें व्हाट्सएप करना होगा कि सर हम लाइव रहेंगे और पूरी क्लास लाइव रहेंगे, तो हम ये क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि लाइव होना इसमें अनिवार्य है, हम आपसे शुल्क नहीं ले रहे हैं, लेकिन लाइव होने से हमारा लाभ जरूर है, हमारी पॉपुलैरिटी, हमारे पास और बाहरी बच्चे जुड़ पाएंगे, इस वजह से आपको लाइव होना पड़ेगा। हमारी बात जो है, अगर आप लोग 20 लोग तैयार हो जाते हैं कि नहीं हम लाइव रहेंगे, तो सी इन डेप्थ का मैक्सिमम पोर्शन हम रिवाइज करा देंगे और वहां से आप पास 100% हो जाएंगे, 1 नंबर से लेकर मैक्सिमम अंक तक हम उसमें
कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्रयास कर सकते हैं 8-10 दिन की जो है आपकी ये क्लास लगातार हो सकती है, 2.5 से 3 घंटे या 2 से 2.5 घंटे की क्लास हो सकती है, बशर्ते शर्त वही कि आपको लाइव रहना है, इसके लिए आप मैसेज करें, ठीक है। और अगर हमारे पास इतने लोग हो जाते हैं हम 2 से 3 दिन में आपकी ये क्लास चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन रहा, कल फिर हम लोग जो है मिलेंगे अगले 20 क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं,